Hey everyone, welcome to my channel and this is Amisa Kesri. Today in the series of Objective General English Idiom and Phrases by S.P. Bachchi, today we will discuss the rest of idioms and phrases by letter A. So let's begin. आज का पहला idiom है हमारा at a loose end. At a loose end का meaning है unoccupied, idle. If you are at a loose end, mean you are bored because of you have nothing to do and you cannot think of anything that you want to do. So if you are without any purpose, if you are unoccupied, if you are without occupation, so the word comes for this situation is at a loose end. So let's see from the example. Nowadays he is at his loose end because he has wound up his business. Nowadays he has wound up his business. He has closed his business and so he is at his loose end. Means he is totally free, he is without occupation. तो आजकल क्या है कि वो अपने बिजनेस को उसने समेट लिया है, इसलिए वो अपने लूज एंड पे है, वो बिल्कुल फ्री है, बिल्कुल बिना किसी पर्पज के है, बिना किसी ऑक्यूपेशन के है. एंड नेक्स्ट 12 नंबर एरिया में हमारा एट लॉगर हेड्स. एट लॉगर हेड्स का मीनिंग है टू बी एट अ स्ट्राइफ. इफ देयर इज क्वारलसम सिचुएशन बिटवीन टू ग्रुप्स और टू पीपल्स, we can use the idiom at loggerheads. So for example, the partners of our firm are at loggerheads these days. हमारे firm के जो partners हैं वो इन दिनों loggerheads में हैं, यानी कि इन दिनों उनके बीच झगड़े की स्थिति बनी हुई है, dispute चल रहा है, disagreement है. तो disagreement की वजह से क्या होता है, dispute ही होता है. तो बिल्कुल dispute है और violent dispute है. तो उसके लिए जो idiom आता है वो है at loggerheads. 13 नंबर idiom है हमारा एट ऑड्स. एट ऑड्स का मीनिंग हो गया इन डिस्प्यूट. दो व्यक्तियों या दो समूहों या दो देशों के बीच अगर विवाद हो, किसी तरह का झगड़ा हो, तो उसके लिए जो idiom आता है वो है एट ऑड्स. तो एग्जांपल है इसका, द मेंबर्स ऑफ द ग्रुप वेयर एट ऑड्स ओवर द सिलेक्शन प्रोसीजर. सिलेक्शन प्रोसीजर को लेकर किस तरह सिलेक्शन किया जाएगा, सिलेक्शन का प्रोसीजर क्या होगा, उसे लेकर ग्रुप के मेंबर्स में झगड़ा हो रखा है, उनमें विवाद हो रहा है. तो विवाद की स्थिति बनी हुई है, डिस्प्यूट है. तो इसके लिए जो idiom आता है वो है एट ऑड्स. एंड नेक्स्ट idiom है हमारा एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. एंड एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड का मीनिंग है काउज ऑफ क्वारल. झगड़े का जो कारण होता है, झगड़े की जड़ जो है उसके लिए idiom आता है एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड. तो लेट्स सी फ्रॉम एग्जांपल, एंसेस्ट्रल प्रॉपर्टी इज एन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन द टू सिस्टर्स. दो बहनों के बीच पूर्वजों की संपत्ति जो है वो एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बन गई है, झगड़े की कारण बन गई है. और इसके लिए एक और एग्जांपल हो हम लोग ये ले सकते हैं कि एक घर में एक प्रॉम ड्रेस है, दो जुड़वा बहनें हैं एंड अब रेड कलर की बहुत ही खूबसूरत एलिगेंट एंड वाइब्रेंट दिखने वाली रेड कलर वाली प्रॉम ड्रेस है. अब दोनों बहनें झगड़े जा रही हैं. तो उसके लिए आ सकता है कि द रेड एलिगेंट प्रॉम ड्रेस हैज बीन एप्पल ऑफ डिस्कॉर्ड बिटवीन टू सिस्टर. दो बहनों के बीच झगड़े का कारण है, विवाद का कारण है. एंड नेक्स्ट 15 नंबर idiom है हमारा एट क्रॉस पर्पस. एट क्रॉस पर्पस का मतलब हो गया हैव कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस. ऐसे इंटेंशंस होना जिनसे हमेशा झगड़े ही होते हो, कॉन्फ्लिक्ट ही होता हो, संघर्ष की स्थिति ही बन जाती हो. तो इसका एग्जांपल है, हाउ कैन देयर बी पीस इन देयर फैमिली व्हेन हस्बैंड एंड वाइफ आर एट क्रॉस पर्पस. तो उसके परिवार में शांति कैसे हो सकती है जब हस्बैंड और वाइफ की ही नहीं बनती है, हस्बैंड और वाइफ के बीच ही संघर्ष चलता रहता है, उनमें झगड़े होते ही रहते हैं. वाइफ अगर वेस्ट जाती है तो हस्बैंड ईस्ट जाता है. तो ऐसी सिचुएशन में एट क्रॉस पर्पस idiom यहाँ पे हम यूज कर सकते हैं. ऐसे तरीके से दैट कॉजेस कन्फ्यूजन और फेलुअर, ऐसा तरीका यूज करना जिसके कारण कोई फेलुअर हो जाए, फेलुअर ही मिले, तो उसके लिए कॉन्फ्लिक्टिंग इंटेंशंस रखने के लिए idiom आता है एट क्रॉस पर्पस. नेक्स्ट idiom है हमारा आफ्टर वंस ओन हर्ट. सो इट्स मीनिंग इज टू वंस लाइकिंग, यानी कि अपने पसंद का, खुद के पसंद का. तो किसी के दिल का, यानी कि किसी के पसंद का, दिल से पसंद आना, उसके लिए idiom आता है आफ्टर वंस ओन हर्ट. इसका एग्जांपल है, व्हेन दीपा मेट ए मैन ऑफ हर ओन हर्ट सी गॉट मैरिड. जब दीपा को उसके पसंद का मैन, यानी कि उसके पसंद का व्यक्ति मिल गया, तो उसने शादी कर ली. एंड नेक्स्ट idiom है हमारा एट द बॉटम ऑफ. एट द बॉटम ऑफ का मीनिंग है टू बी मेनली रिस्पॉन्सिबल फॉर. किसी चीज के लिए जो मुख्य रूप से जिम्मेदार है, उसके लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल है, उसके लिए idiom आता है एट द बॉटम ऑफ. तो एग्जाम्पल से समझते हैं, इट वॉज फाउंड लेटर सानू वॉज एट द बॉटम ऑफ द होल ट्रबल. तो बाद में ये बात पता चली कि जो सानू थी वो इस पूरे ट्रबल का, इस पूरी मुसीबत की जड़, मुख्य रूप से पूरी मुसीबत के लिए जिम्मेदार सानू ही थी. ये बात हमें बाद में पता चली. 18 नंबर idiom है हमारा एट अ लॉस. एट अ लॉस का मीनिंग होता है टू बी अनेबल टू डिसाइड. आप निर्णय नहीं ले पा रहे हैं, आप निर्णय लेने में बिल्कुल असक्षम है, इतने कंफ्यूज है कि डिसाइड नहीं कर पा रहे हैं, तो उसके लिए जो idiom आता है वो है एट अ लॉस. फॉर एग्जाम्पल, आई एम एट अ लॉस टू नो वॉट टू डू. मतलब मुझे बिल्कुल भी समझ नहीं आ रहा है, मैं एट अ लॉस हूँ, यानी कि मैं बिल्कुल डिसाइड नहीं कर पा रहा हूँ कि क्या किया जाए. एंड नेक्स्ट idiom है हमारा 19 नंबर idiom है एट ड्रैगर्स ड्रॉन. फ्रेंड्स, डू यू नो ड्रैगर का मतलब क्या होता है? ड्रैगर का मतलब होता है खंजर. एंड खंजर जो है वो नेगेटिविटी, एनमिटी, दुश्मनी का सिंबल है. सो एंड एट ड्रैगर्स ड्रॉन का मीनिंग है टू हैव बेटर एनिमिटी, यानी कि कड़ी, मतलब गहरी दुश्मनी होना, बहुत पुरानी दुश्मनी होना, उसके लिए जो idiom आता है वो है एट ड्रैगर्स ड्रॉन. फॉर एग्जाम्पल, द क्वारल बिटवीन द टू ब्रदर्स हैज ग्रॉन मोर बिटर नाउ एंड दे आर एट ड्रैगर्स ड्रॉन. तो दो भाइयों के बीच जो झगड़ा था वो अब और भी कड़वा हो गया है, और अब तो वो बिल्कुल, मतलब गहरी दुश्मनी उनके बीच हो चुकी है, बहुत पुरानी दुश्मनी हो चुकी है, इतनी ज्यादा दुश्मनी उनके बीच हो चुकी है कि मतलब लग रहा है कि एक दूसरे को काट ही डालेंगे. एंड नेक्स्ट idiom है हमारा 20 नंबर idiom है एट लार्ज. एट लार्ज, अगर आप एट लार्ज हो, मीन आप ओपन माइंडेड हो, तो एट लार्ज का मीनिंग होता है एब्सकॉन्ड
टू कीप अनचेंड, खुला छोड़ देना, अनचेंड छोड़ देना, एब्सकॉन्ड भाग जाना, यानी कि भाग जाने के लिए खुला छोड़ देना, इसके लिए जो idiom आता है वो है एट लार्ज. तो फॉर एग्जाम्पल द पीपल कीप देयर डॉग्स एट लार्ज एट नाइट, तो लोग जो है वो क्या करते हैं, अपने जो डॉग्स होते हैं उनके जो पेट होते हैं उन्हें वो एट लार्ज अनचेंड रखते हैं रात के समय में, ताकि वो भाग दौड़ कर सके और घर की रखवाली कर सके. फ्रेंड्स 21 नंबर idiom है हमारा एट सी. एट सी अप्लाइड टू अ पर्सन कन्फ्यूज, एट सी जो idiom है वो ऐसे पर्सन के लिए आता है जो कन्फ्यूज हो, बड़ा ही परेशान हो, बहुत ही कन्फ्यूज हो, जिसको चीज़ें समझ ही ना आ रही हो, इतना कन्फ्यूज हो. तो फॉर एग्जाम्पल के लिए माई सिस्टर इज क्वाइट एट सी इन मैथ्स दैट सी कैन नॉट सॉल्व इवन अ सिंगल प्रॉब्लम. सो मेरी सिस्टर जो है, मेरी बहन जो है, वो मैथ्स में इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज है, इतनी ज़्यादा कन्फ्यूज है कि वो अभी एक सिंगल प्रॉब्लम को भी, एक भी प्रॉब्लम वो सॉल्व नहीं कर पा रही है. नेक्स्ट idiom है हमारा एड फ्यूएल टू द फ्लेम और फायर. इसका मीनिंग है टू मेक मैटर वर्स. आपने हिंदी में एक मुहावरा सुना होगा, आग में घी डालना, तो बस वही है ये. तो टू मेक मैटर वर्स, चीज़ें पहले से ही खराब थी, बैड सिचुएशन में थी, और उसको आप और वर्स बना रहे हो, उसे आप और भी ज़्यादा हाइटेन कर रहे हो, प्रोवोक कर रहे हो, तो उसके लिए जो idiom आता है वो है एड फ्यूएल टू द फ्लेम और फायर. फॉर एग्जाम्पल द अटेम्प्ट टू सप्रेस द एगिटेशन ऑफ द स्ट्राइकर्स ओनली एडेड फ्यूएल टू द फ्लेम. यानी कि जो स्ट्राइकर्स थे, जो हड़ताल करने वाले थे, उनके गुस्से को शांत कराने का प्रयास सिर्फ और सिर्फ आग में घी डालने का काम किया. तो यानी कि गए थे स्ट्राइकर्स को शांत कराने और उनको और उल्टा भड़का के आ गए, तो उसके लिए idiom है एड फ्यूएल टू द फ्लेम और फायर, आग में घी डालना. एंड नेक्स्ट idiom है हमारा एड सिक्सेस एंड सेवन. तो एड सिक्सेस एंड सेवन का मीनिंग है इन डिसऑर्डर, अस्त व्यस्त रहना. अस्त व्यस्त होना यानी कि चीजें बिखरी बिखरी सी है, सब कुछ अस्त व्यस्त है, बिखरा बिखरा पड़ा है, तो उसके लिए जो idiom आता है वो एड सिक्सेस एंड सेवन. फॉर एग्जाम्पल देयर वॉज अ रॉबरी इन आवर नेबरहुड एट लास्ट नाइट वेन आई एंटर्ड द हाउस टू इंक्वायर एवरीथिंग वॉज एट सिक्सेस एंड सेवन. मान लीजिए आपके नेबरहुड में, पड़ोस में कहीं डकैती हो गई है, रॉबरी हो गई है, पिछली रात को ऐसा हुआ था, और आप जो है सो उस घर में गए पूछने के लिए कि हुआ क्या है, तो आपने सब कुछ बिखरा बिखरा देखा. तो जहाँ चोरी होती है तो वहाँ पे हर चीज़ बिखरी बिखरी सी ही होती है. तो एट सिक्सेस एंड सेवन का मीनिंग है इन डिसऑर्डर. नेक्स्ट idiom है हमारा एज्यूम एयर्स. एज्यूम एयर्स का मीनिंग है टू प्रिटेंड सुपीरियरिटी. तो सुपीरियरिटी दिखाना, ये दिखाना कि मैं ही सुपीरियर हूँ, इसके लिए idiom आता है टू एज्यूम एयर्स. फॉर एग्जाम्पल द रिच आर इन द हैबिट ऑफ एज्यूमिंग एयर इन द प्रेजेंस ऑफ देयर पुअर रिलेशंस. तो जब भी गरीब रिश्तेदार के आगे सामने क्या होता है कि जो रिच रिलेटिव होते हैं वो हमेशा एज्यूम एयर्स, उनकी आदत ही होती है कि वो अपने आप को सुपीरियर दिखाते रहते हैं. एंड नेक्स्ट idiom है हमारा आर्गस आइड. आर्गस आइड का मीनिंग होता है केयरफुल ऑब्जर्वेंट, यानी कि बहुत ही सतर्क रहना, सावधान रहना, ऑब्जर्वेंट रहना, बहुत चौकन्ना रहना, उसके लिए idiom आता है आर्गस आइड. फॉर एग्जाम्पल एज अ पॉलिटिशियन ही इज आर्गस आइड एंड नेवर ओवरलुक्स इवन अ स्मॉल मैटर. तो चूंकि वो एक पॉलिटिशियन है इसलिए वो आर्गस आइड है, इतना चौकन्ना रहता है कि वो नेवर ओवरलुक्स, यानी कि कभी भी नजरअंदाज नहीं करता इवन अ स्मॉल मैटर, छोटी सी छोटी बात को भी वो नजरअंदाज नहीं करता है. एंड फ्रेंड्स ए लेटर से लास्ट idiom है हमारा एट अ स्टोन्स थ्रो, मीनिंग है वेरी क्लोज. तो एट अ स्टोन्स थ्रो जो idiom है वो क्लोज डिस्टेंस के लिए आता है. फॉर एग्जाम्पल माई फ्रेंड्स हाउस इज एट अ स्टोन्स थ्रो फ्रॉम माइन, यानी कि मेरे दोस्त का जो घर है वो बहुत ही नज़दीक है मेरे घर से, यानी कि एक पत्थर फेंको तो बिल्कुल उसके ही घर में गिरेगा, इतना नज़दीक है. तो एट अ स्टोन्स थ्रो का मतलब होता है वेरी क्लोज. एंड ये आज का idiom एंड फ्रेजेस ए लेटर अल्फावेट वाले जितने भी idioms हैं वो हम कर चुके हैं. एंड होता है ये ए लेटर वाले idioms एंड फ्रेजेस का सेशन. एंड इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू लाइक, कमेंट, शेयर एंड सब्सक्राइब माई चैनल. सो थैंक यू, हैव अ नाइस डे.